गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? तो आज है संडे और दुकानें बंद रहेगी। हमारे यहाँ संडे के दिन लॉकडाउन रहता है और साहिबा तैयार हो चुकी है घूमने जाने के लिए। और साहिबा से बड़ी मेरी एक बेटी और है, उसका नाम है सनाया। और सनाया भी तैयार हो चुकी है। सनाया क्या खाएगी? चॉकलेट खाएगी। सनाया भी चॉकलेट खाएगी, साहिबा भी चॉकलेट खाएगी। तो आपके वहाँ संडे के दिन लॉकडाउन रहता है या नहीं, कमेंट करके बताना जरूर। तो ये रही मेरी सुबह की चाय। तो हाथ से मोबाइल चला रही और सुनने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों दिन के 12 बज चुकी है और बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पता नहीं क्या बनाया। वो खाने के लिए बुला रहे हैं तो मैं देखता हूँ क्या बनाया है और आपको भी बताता हूँ। और यहाँ पर बनी है सेव की सब्जी, आप देख सकते हो, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं फटाफट खाना खा लेता हूँ और आप भी खा लीजिए। हो चुका है और अब मैं थोड़ा बाहर घूम फिर के आता हूँ। दोस्तों यारों में जरा घूम के आता हूँ, संडे का दिन कटता नहीं है। और ये मेरा लड़का है बड़ा। हेलो, क्या नाम है तेरा? असद। असद, असद नाम है इसका। और ये तीसरे में पढ़ता है लेकिन अभी 2 साल से स्कूल बंद है, तो ये दिन भर मोबाइल चलाया करता है। तो साहिबा मोबाइल में चांद की कहानियाँ लगा दो बोलती है, चंदा मामा की कहानी लगा दो। और चांद के बारे में मुझे एक सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चांद के सबसे पहले वॉइस किसने निकाली थी, मतलब चांद के सबसे पहले शब्द किसने कहे थे। तो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि चांद पे किसने शब्द कहे थे, तो बने रहना इस वीडियो को। तो दोस्तों मैं आया हूँ नौलपुरा, जो हमारा मोहल्ला है, घूमने फिरने के लिए और थोड़ा हंसी मजाक करने के लिए। और ये देखो यहाँ पर ये पबजी बॉय जिसका नाम पबजी बॉय है। और ये बच्चे मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, जल्दी उतारो रे। और इनका नाम क्या नाम है आपका? सोनू प्रजापति। सोनू प्रजापति, जो ये प्रजा का पति है। और ये एक गाना गा के बताएगा, आप जरूर सुनिएगा। एक मस्त गाना सुना दो जरा। आला वेरा खेला वेरा अंदाता बरवा काय रे करवा हाय रे बरवा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा गाना है। अगर आपको समझ में आया हो तो जरूर बताना। ये गाना टिकटॉक में पहले टिकटॉक था जब बहुत वायरल हुआ करता था। आला वारा केला वारा वानी केला खलवा पानी भरवा पानी हलवा। तो ये सब बंदे मुझसे पूछ मुझे बोल रहे हैं कि एक जोक मैं भी सुनाऊं। तो मैं एक जोक सुनाता हूँ, सुनिएगा बड़े ध्यान से। अगर गलती से पत्नी ने पति से पूछ लिया, वाह 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 बोलो, वाह 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 वाह। अगर गलती से पत्नी ने पति ने पूछ, वाह वाह वाह। अरे जनाब 2 मिनट तो पूरा जान दो। अगर गलती से पत्नी ने पति से पूछ लिया कि खाने में क्या बनाना है, वाह 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 वाह, पूरा तो जान दो, तो पति इतना सोचने लग जाता है जैसे कहीं वो आईपीएस के एग्जाम देने जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आज संडे है, घर पे हूँ मैं और घर पे ही काम आ रहा है, ये मेरी टामिया है। तो मैं ये टायर वायर फिट कर देता हूँ और साहिबा बाहर जा रहा है। अंदर साहिबा, अंदर निकल, अंदर निकल। साहिबा आप क्या करेंगे, नाचेगी? नाचेगी अपना। तो शाम के 5 बज चुकी है और बड़ी मुश्किल से दिन गुजरा है। साहिबा सो रही है फिलहाल, उसको थोड़ा बुखार आ गया था तो ये सो रही है, आप देख सकते हो। मैं आपको बैक कैमरे से थोड़ा बता देता हूँ। सो रही है अभी। तो दोस्तों मैं आया हूँ ये हमारे स्टेडियम में, जो हमारे गांव के स्टेडियम में, देख सकते हो।
हाय कर भाई। हाय। देखो स्टेडियम बहुत बड़ा है और एक टंकी बन रही नहीं, शायद अपनों को आपको दिख रही होगी, जूम करके बता देता हूँ। टंकी दिख रही है आपको और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं यहीं पर मेरी इस व्लॉग का एंड कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को आपको बताना है कि चांद पे सबसे पहले वॉइस किसने कहे थे। तो सभी के ख्याल दिमाग में एक ही ख्याल आता है, नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे कदम रखे थे, शब्द किसी और ने, मतलब उनके जो दोस्त वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक दोस्त, उन्होंने कहे थे। उनका नाम था बज एल्ड्रिंग। बज एल्ड्रिंग ने कहा था चांद पर वन स्मॉल स्टेज, मतलब एक छोटा सा कदम। उनका कहने का मतलब यह था कि एक छोटा सा कदम एक दिन, ये छोटा सा कदम एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। तो आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा भी YouTube पर एक छोटा सा कदम है, तो पूरा सपोर्ट करना हमको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। और